दोस्तों, लॉकडाउन का समय है और हम सब बिजी हैं अपने घर की जिम्मेदारियों में और ऑफिस की डेडलाइंस में। तो ऐसे में कैसे इंश्योर करें कि हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल भी निग्लेक्टेड ना फील करें, आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मॉडर्न योगी लाइफ लेसन्स विद मी पूनम हेगड़े। आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ थ्री सीरीज के, यानी टॉप थ्री क्वेश्चंस जो ज्यादातर लोग ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया फोरम्स पर, और इन सवालों का उत्तर हम निकालेंगे हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। आज हम बात कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिसेस ज्योत्सना सालवी। ज्योत्सना सालवी इज द फाउंडर ऑफ जिजाओ। शी इज ऑल्सो अ पेरेंटिंग कोच एंड शी इज ऑल्सो अ DMIT काउंसलर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पेरेंटिंग स्टाइल्स की, कि जब पेरेंटिंग स्टाइल्स क्लैश हो तो उसे कैसे मैनेज किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन सीरीज में कैसे इंश्योर करें कि हमारा जो काम है वो भी इफेक्ट ना हो और बच्चा भी निग्लेक्टेड ना फील करे। चलिए बात करते हैं हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिसेस ज्योत्सना सालवी जी। ये बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है पूनम, क्योंकि इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम इतना बढ़ गया है कि ना हम अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं ना अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है ममास के ऊपर। क्यों बताऊं? क्योंकि उनको घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस भी देखने हैं, होमवर्क भी देखना है, और बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे करनी होती है। ऑब्वियसली पापा का भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है आजकल, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों में ना बच्चे कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे, हम उनको निग्लेक्ट कर रहे, उनका इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहा है। तो इसमें क्या करना है पता है, बहुत ही मजेदार है। आपको ना आपका दिन शेड्यूल करना है, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम अगर ममाज के लिए इम्पोर्टेंट है, खाना बनाना, घर के प्राइमरी काम करना, तो पापा अपने टाइम से थोड़ा जल्दी उठे और बच्चों को टाइम दे, वो टाइम उनके साथ फुल्ली डेडिकेटेड कर दे। उसके बाद आफ्टरनून में अगर आपका बच्चा सो रहा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो सोता नहीं है तो उसका वीक मस्ट शेड्यूल कीजिए। जैसे कि मंडे को क्राफ्टिंग करेगा, ट्यूजडे को पेंटिंग करेगा, थर्सडे को क्ले मॉडलिंग करेगा, जो भी अवेलेबल मटेरियल है आपके घर में, अपने बच्चे को उसकी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करना सीख। 2-3 घंटे तो उसके बहुत अच्छे से जाएंगे, वो अपने आप को टाइम भी देगा, उसकी क्रिएटिविटी भी बाहर आ जाएगी। उसके साथ जब भी शाम को आप टी ब्रेक लेते हैं या फिर आपका काम खत्म होता है, अगेन आपको 15-20 मिनट्स अपने बच्चे को फुल्ली डेडिकेट करनी होगी। अगर आप एक एक करके करेंगे तो बच्चों को ज्यादा टाइम मिलेगा कंपेरेटिवली, सब एक साथ देंगे तो थोड़ा बच्चा ओवरवेलम हो जाएगा, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं चॉइस इज योर्स। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टिप क्या है पता है, जब भी मैं बोल रही हूँ कि अपने बच्चे को फुल्ली डेडिकेटेड टाइम दो, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ हो तभी ना आप किसी और से बात करोगे, ना आप मोबाइल लोगे, ना आप टीवी देखोगे, ना आप कोई सॉन्ग सुनोगे। ये चारों चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। बस 10 से 15 मिनट फुल्ली फोकस अपना अटेंशन अपने बच्चे के पास रखो, उसको बस उतना ही चाहिए। और पता है पूरे दिन में ये 3-4 इंटरवल्स होंगे ना अपने बच्चे के साथ, उसको अपना टाइम भी मिलेगा, उसको अपने मम्मी मिल रहे, पापा मिल रहे, दादा दादी मिल रहे, उसको और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो आप जब भी काम कर रहे तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा आप, और आपको काम करने को समय दे देगा। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। तो अब इस ज्ञान को अपने तक ना रखे, इसे शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।